देखिए सोडी और फजान का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो। अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है या इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में 4 यूनिट की कमी होगी और एटॉमिक मास में 2 यूनिट की कमी होगी। अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में नो चेंजेस होते हैं, यहाँ एटॉमिक मास एक बढ़ जाता है। यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल किस के बराबर होता है, तो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा।